दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने समझने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। पहला, इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला, वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करते। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बेहतर बाहर निकलने का प्रयास ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, इसके जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और दुख आए तो कभी थोड़ा सब्र कर लेना।